सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडियम, SOM, ग्लू ईयर, इस तरह के नॉमनक्लेचर वाले बच्चों में ज्यादातर एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया का अगर हम मतलब समझें तो सिक्रेटरी यानी कि सिक्रीशन या बलगम या फ्लेम, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस कान, मीडिया मिडल ईयर। बच्चों के मिडल ईयर में जब सिक्रीशन जम जाती है तो उसको हम सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जो विंटर्स में खासकर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चे जो 2 से 6 साल के बीच में है। बड़ों में भी हो सकती है, छोटे बच्चों में भी हो सकती है, बट द मोस्ट कॉमन एज फॉर सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया इज बिटवीन 2 and 6 ईयर्स ऑफ एज, और उसकी एक वजह भी है। सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया लिंक्ड है आपके नाक और गले के साथ। 2 साल में पहली बार बच्चे प्ले स्कूल जाते हैं और फिर 4 साल या 5 साल की उम्र में वो नॉर्मल फॉर्मल स्कूल में जाते हैं। 2 साल में जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है तो बाहर की एनवायरनमेंट, बाहर के लोग, ग्रोन अप्स, अदर चिल्ड्रन, इनको एक्सपोजर की वजह से बच्चों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है। ये है प्रोसेस बच्चे के इम्यून सिस्टम को डेवलप और सेंसिटाइज करने का, और ये कॉमन है कि बच्चे 2 से 4 साल की उम्र में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से जूझ रहे होंगे। तो जैसे हमने देखा, सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया एंड एडेनोइड एनलार्जमेंट कॉमनली लिंक्ड रहते हैं। ये प्रॉब्लम बड़ों में भी हो सकती है, और उनको अगर ज्यादा जुखाम हो एंड मेनली फ्लाइट के बाद अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो फ्लूइड जम सकती है ग्रोन अप्स में भी। इसको हम बैरोट्रोमेटिक ओटाइटिस मीडिया लीडिंग टू सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये प्रेशर चेंज की वजह से आती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ साथ बच्चों के एडेनोइड और टॉन्सिल में इन्फेक्शन होती है। एडेनोइड एक टॉन्सिल टिश्यू है जो नाक के पीछे रहता है और ये एनलार्ज होता है। जब एडेनोइड बढ़ता है तो वो मिडल ईयर की एक ट्यूब है, यूस्टेशियन ट्यूब, उसके ऊपर प्रेशर डाल के ट्यूब को प्रेशर इक्वलाइज करने से बंद कर देता है। कोल्ड्स की वजह से, खांसी जुखाम की वजह से, एडेनोइड एंड टॉन्सिल की प्रॉब्लम की वजह से बच्चों के मिडल ईयर में फ्लूइड जम जाती है। इस कंडीशन को हम सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। बच्चों के सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया को ज्यादातर हम कॉन्जर्वेटिवली ट्रीट करते हैं। इसमें कभी कभी चाहे तो एक एक्सरे करके देखेंगे उनके एडेनोइड्स कितने एनलार्ज हैं, और कान में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो चेक करते हैं कि सुनने का क्या स्टेटस है, जो हम ऑडियोग्राम से करते हैं, और एक इम्पीडेंस या टिम्पेनोमेट्री टेस्ट करके देखते हैं कि कान में नेगेटिव प्रेशर है या पॉजिटिव प्रेशर है, या कान में कितनी फ्लूइड जम गई है। ज्यादातर सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रन इज ट्रीटेड कॉन्जर्वेटिवली एंड विद मेडिकेशन। इसमें हम कभी कभी एंटीहिस्टामिन या ज्यादातर म्यूकोलिटिक कोई दवाई देते हैं, नेजल स्प्रे प्रिस्क्राइब करते हैं। ये कभी कभी करना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज प्रोलॉन्ग सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया हैज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। कभी कभी बच्चे के ईयर ड्रम रप्चर हो सकते हैं, कभी कभी बच्चे का ईयर ड्रम रिट्रैक्ट यानी कि पीछे की तरफ खिसक सकता है, और कभी कभी ये एक खतरनाक बीमारी जो एटिको एंट्रल डिजीज है उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि परसिस्टेंट नेगेटिव प्रेशर अगर ईयर ड्रम में बढ़ा तो वो अंदर की तरफ झुक के और ज्यादा डैमेज करने की कोशिश करता है। सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया बच्चों में और अडल्ट्स में होती है। बच्चों में ज्यादा कॉमन होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स और एलर्जी एंड इन्फेक्शन की वजह से ज्यादातर होती है। एडेनोइड एनलार्जमेंट इज अ कॉमन फैक्टर इन कॉजिंग सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया। ज्यादातर बच्चे दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है जिसमें या तो हम मायरिंगोटॉमी विद ग्रोमेट इंसर्शन करते हैं, या अगर सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया के साथ एडेनोइड्स बढ़े हुए हैं तो हम एडेनोइड रिमूवल प्लस मायरिंगोटॉमी विद ग्रोमेट इंसर्शन करते हैं।